हरिओम नमस्कार मित्रों, आज के युग में व्यक्ति नाना प्रकार की बाधाओं से और शत्रुओं से परेशान है। विशेष रूप से शत्रु बाधा से व्यक्ति हमेशा बाधित रहता है, उसके कार्य बाधित हो जाते हैं, उसका व्यवसाय कारोबार हर उसका जीवन का महत्वपूर्ण कार्य बाधित हो जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम हनुमान जी के उन मंत्रों का प्रयोग करें जिनकी सहायता से हम उन बाधाओं से मुक्ति पा सके, क्योंकि हनुमान जी महाराज को कलयुग में अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। इसके फलस्वरूप हनुमान जी अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं और विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की आराधना और मंत्र जप करने का बड़ा ही अच्छा महत्व बताया गया है। ऐसा करने से हमेशा ग्रहों के दुष्प्रभाव भी समाप्त हो जाते हैं और हनुमान जी की कृपा से हमारे कार्य में आने वाली बाधाएं और रुकावटें नष्ट हो जाती है। आज मैं जो आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ उसका बड़ा ही विशेष महत्व है। इस मंत्र को मात्र 7 बार उच्चारण करके अपना कार्य करने या 7 बार उच्चारण करके अपने घर से निकलने पर अपने कार्य व्यवसाय में आने वाली बाधाएं दूर होती है। यहाँ तक कि उस व्यक्ति की हर प्रकार के संकट और शत्रु से रक्षा होती है जो कि इस मंत्र को मात्र 7 बार उच्चारण करके अपने घर से प्रस्थान करता है। हनुमान जी का मंत्र जप करने से पहले हनुमान जी का ध्यान करना आवश्यक है जो कि इस प्रकार है। ओम अतुलित बल धामम हैम शैलाब देहम धनुज मनकशानम ज्ञानिनामम गृण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज का ध्यान करें और तत्पश्चात इस मंत्र को 7 बार उच्चारण करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम हन हन हनुमते मम सर्व बाधा निवारे निवारे माम रक्ष रक्ष शीघ्र नाम धनिनम कुरु कुरु हुम फट। यह बड़ा ही चमत्कारी और सिद्ध हनुमान जी का साबर मंत्र है। इस मंत्र की सहायता से बाधा तो दूर होती ही है, साथ में हमें लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है, यानी कि धन आगमन के हमारे रास्ते जीवन के खुलते हैं और हर प्रकार की बाधाएं भी दूर हो जाती है। इसलिए अवश्य ही यह मंत्र बड़ा ही प्रभावशाली और ताकतवर बताया गया है। विशेष रूप से विषम परिस्थिति में इसका जप करने से अवश्य ही हमें हर प्रकार की हनुमान जी के द्वारा सहायता मिलती है और हमारे विघ्न का नाश होता है और हमारे शत्रु बाधा से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। इसलिए अवश्य ही हमें इन साबर मंत्रों का प्रयोग करके अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करना जरूरी है, क्योंकि यह हमारे शास्त्रों के बड़े ही प्राचीन काल के साबर मंत्र है और सिद्ध साबर मंत्र है और गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा बनाए गए यह सिद्ध साबर मंत्र शीघ्र प्रभावी होते हैं, क्योंकि साबर मंत्रों में अधिक जप करने की आवश्यकता नहीं रहती है अभी तो कुछ उच्चारण करने मात्र से ही यह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। काफ़ी लोग ग्रहण काल में एवं कई अच्छे दिनों पर या फिर महारात्रि दारुण रात्रि काल रात्रि निशा रात्रि इस प्रकार से इन महारात्रियों में भी इन मंत्रों को सिद्ध करते हैं और सूर्य चंद्र ग्रहण में भी इन मंत्रों को सिद्ध करके जागृत कर देते हैं। इसके फलस्वरूप वह मंत्र कुछ बोलने मात्र से ही जागृत हो जाते हैं और व्यक्ति का कार्य सिद्ध हो जाता है। इसीलिए अवश्य ही इन मंत्रों का आप प्रयोग करें और मात्र 7 बार उच्चारण करके अगर आप अपने घर से निकलेंगे अवश्य ही आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं है। धन्यवाद।